मिलेगी और आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज्यादा पड़ेगी। दूसरी बात, आपको जो भी पढ़ना है उसका एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ट्यूशन प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है। वो टाइम टेबल आप अपना एक सामने डिस्प्ले कहीं भी लगा, अपना अपना टाइम टेबल बढ़ाओ कि मुझे लाइब्रेरी में इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, रेस्ट भी करनी है, खाना भी खाना है, टाइम वगैरह। ये टाइम टेबल आपका लगवाना चाहिए कि आप यहाँ लाइब्रेरी में आते क्यों। तीसरी चीज, आपके पास में रफ कॉपी हो जिसपे डेट लगा हो, डेट लगाने के साथ में पेन चलाओ क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उनसे लिख कर पढ़ने के बाद किताब को बंद करो और एक बार पॉइंट लिखो कि आपने पढ़ा क्या। तीन स्टेप होते हैं पढ़ने के, पहले तो खोलने से पहले मान लीजिए इसे हिंदी वाले पढ़ने थे जितने से हिंदी से थोड़ा बहुत, तो एक बार बिना किताब को देख के उस पर लेकर के देखो कि मैंने आज से पहले जो पढ़ा है मुझे कितना आता है, कम से कम थोड़ा बहुत कितने प्रकार की है, उसके फॉर्मूला क्या है। अब आपने दिमाग को क्या दे दिया, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, ब्रेन एक्टिव हो गया और जैसे आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अच्छा मैंने देखो देखो कि याद नहीं था, ये याद नहीं था याद हो गया। अब उसको क्या करो, बंद करो, बंद करने के बाद चेक करो मैंने पढ़ लिया, अब मुझे कितना आता है। आपने वापस रिवाइज किया, आपको लगा थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 5 AM क्या की है ना, 10 क्या था है ना।